खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। खरगोन जिला मुख्यालय के नए कलेक्टर भवन में पहुंचे कंप्यूटर बाबा ने सुभाष यादव की स्मृति में पीपल का पौधारोपण किया। बाबा का कहना है कि हर महीने आकर यहां की देखरेख करेंगे। बाबा ने यही संदेश दिया कि खरगोन में जो गर्मी बढ़ रही है उसमें सभी पौधारोपण करें। उल्लेखनीय है कि नवग्रह की नगरी में नवग्रह मंदिर के ठीक सामने दो नदियों के बीच में कलेक्टर कार्यालय का निर्माण किया गया। बाबा कंप्यूटर मध्य प्रदेश शासन में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है। उनका कहना है नर्मदा के दोनों ओर परिक्रमा वासियों के रहने की व्यवस्था की जाएगी और पर्यावरणीय व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा। वहीं कंप्यूटर बाबा ने विधायक आकाश विजय वर्गीय द्वारा की गई हरकत की निंदा की है। मीडिया से चर्चा करते हुए कंप्यूटर बाबा ने कहा, देखिए विधायक की गरिमा होती है, राजनीति में चाहे विधायक हो या सांसद, चाहे कोई भी प्रतिनिधि हो, गरिमा का ध्यान रखे, जिससे आपको देखकर जनता पर क्या असर होगा इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ये जो किया है वो निंदनीय है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। सर आप आज खरगोन आए किस सिलसिले में? आज पौधारोपण के लिए आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये न्यू कलेक्टर परिसर में माइक्रोफोन नीचे कर लेंगे और सभी के साथ स्टाफ साथ में हम सब मिलकर के पौधा लगा रहे हैं। और ये पौधा हम लोग अभी ब्रह्मलीन सुभाष यादव की श्रद्धांजलि के लिए सभी को रोहित बहुत बेवकूफ आते हैं, उसी के तहत मैं भी एक पौधा लेकर के आया और ये खरगोन में आकर के जहाँ सब लगा रहे हैं। और हम सब ने वादा किया है कि इससे हम शपथ ली है कि जो भी पौधा लगाएंगे उसको हम देखते रहेंगे, वो उसको बड़ा करने के लिए हमारी जवाबदारी रहेगी, सुरक्षित रखना करने के लिए हमारी जवाबदारी रहेगी। उसके तहत हम आज पौधा लगा रहे हैं और हर महीने में एक बार जरूर इस पौधे को मैं देखने आऊँगा और जब तक ये बड़ा नहीं होगा, अपने आप में तैयार नहीं होगा, तब तक इसको हम देखते रहेंगे। आप बीजेपी के शासन में मंत्री भी रहे जी, तब लाखों करोड़ों पौधे लगाए गए जी, लेकिन उसमें से कुछ ही पौधे जीवित हैं। नहीं, उस समय हम मंत्री नहीं थे जब 750 करोड़ या 750 करोड़ पौधा लगाए थे जो कंपटीशन में फर्स्ट आने के लिए तत्कालीन हमारे उस समय मुख्यमंत्री शिवराज कुमार करते थे और उन्होंने जिस ढंग से पौधा लगाए थे केवल नाम के लिए लगाए थे और पौधा थे नहीं। आज 700 पौधा भी नहीं दिख रहे हैं क्योंकि हम नर्मदा के दोनों पट्टी में घूम रहे हैं, प्रदेश में घूम रहे हैं, मुझे तो पौधा नहीं दिखे। और इसीलिए नर्मदा को अवैध खनन से रोकने के लिए भी हमने उनको बार बार कहा सरकार को कि आप रोकें, पर उन्हें रोकने से मना किया कि हम नहीं रोक पाएंगे। तो हमने भी मना कर दिया कि हम सरकार में भी तुम्हारी नहीं रहेंगे, हम रहेंगे तो नर्मदा को बचाएंगे, पौधों को बचाएंगे तो रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। पर वो तैयार नहीं हुए इसलिए हमने इस्तीफा दे दिया और पूरा संत समाज उनके विरोध में खड़ा हो गया। आज परिणाम ये हुआ कि नर्मदा का प्रकोप उन पर लगा क्योंकि नर्मदा को भी वो बेच खा गए थे और हम लोग बार बार बोलते रहे नर्मदा को बचाओ, अवैध खनन से बचाओ, पर वो बचा नहीं पाए इसलिए हम लोग उससे दूर हो गए। आज कमलनाथ सरकार ने नर्मदा ही एक आयोग बना दिया है, नदियों का आयोग बना दिया है और उसमें हम संतों पर विश्वास रखा है तो हम भी संत समाज भी विश्वास के तौर पर हम लोग खड़े उतरेंगे और पूरी नर्मदा को आने वाले समय में जो है स्वच्छ साफ के साथ साथ अवैध रेत खनन भी नहीं होने देंगे और नर्मदा की दोनों पट्टी में हरियाली बनाएंगे, हरियाली रहेगी और साथ में परिक्रमा वासियों को चलने के लिए और रुकने के लिए भी हम सारी सुविधाएं कर रहे हैं। जो उत्खनन जो भाजपा के शासन में होता था वही अभी इस शासन में भी देखिएगा, भाजपा के शासन में रेत अवैध खनन होता था, रुकता नहीं था और इतने बड़े स्तर से हुआ है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। आज हम उसको रोकने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। कमलनाथ सरकार ने इसके लिए पूर्ण रूप से कहा है कि इसको कैसे भी रोका जाए, पर इतने बड़े रूप से होने वाला कोई धंधा यदि बड़े रूप से होता है तो उसको छोटा करने के लिए टाइम तो लगता है। इसको हम पूर्ण रूप से बंद करेंगे पर उसके लिए समय लगेगा, पर यह जरूर है कि 5 साल के अंदर हम इसको कहीं भी, चाहे नर्मदा हो चाहे उसकी सहायक नदियाँ हो, रेत अवैध खनन नहीं होने देंगे। बड़वा में 2 शराब फैक्ट्रियाँ हैं, उनका हर साल बारिश में नर्मदा में पानी मिलता है। किसी भी नदियाँ में किसी भी फैक्ट्री का पानी नहीं मिलेगा, मुझे जानकारी है नहीं, पर आपके द्वारा जानकारी यदि मिली है तो संबंधित कलेक्टर से मैं जानकारी दूंगा और औचक निरीक्षण भी करूंगा और यदि वो पाया जाएगा तो फैक्ट्री ही बंद करवा देंगे, पर हम नर्मदा में गंदा जल नहीं मिलने देंगे। आज कैलाश विजय वर्गीय जी के जो पुत्र हैं विधायक हैं, उन्होंने आज निगम कर्मचारियों को मारपीट भी की है, हंगामा भी किया, झूमाझट किया।